हेलो फ्रेंड्स, मैं अभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक में आपसे बात करने वाली होती हूँ, सर्कुलेंट। सर्कुलेंट की इचिवेरिया वेराइटी। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, सामने मैं आपको आज पांच सर्कुलेंट दिखाने वाली हूँ, जिसकी केयर एंड टिप्स मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा पाँच मेरे पास सर्कुलेंट की एक वेराइटी है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक है। ये देखिए, फर्स्ट नंबर ये, और सेकंड नंबर देखिए लक्ष्मी कमल की एक वैरायटी है, जो कि किनारे किनारे से पफ्स निकालते हैं इस टाइप से। ये देखिए, तो सर्कुलेंट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ फ्रेंड्स, कि ये बहुत विंटर लविंग प्लांट होते हैं, बहुत डिलिकेटेड प्लांट होते हैं, और ठंडी जगहों पर बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और इनके जो लीप्स होते हैं ना, ये देखिए, ये मोटे मोटे से आपको लीप्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं में ये अपने वाटर को मतलब स्टोरेज करके रखते हैं। इन्हें पानी का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप पानी भी देंगे तो इसे 2 से 3 दिन में एक बार देंगे, और विंटर में इसे फुल सनलाइट चाहिए, और समर से इसको धूप से बचा के रखना है, और रेनी सीजन सबसे रिस्की होता है इसके लिए। थोड़ी डिलिकेटेड होते हैं ये प्लांट, और लेकिन दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर देखिए इनका लुक होता है। और सॉइल की बात करें फ्रेंड, तो इसे बिल्कुल वाटर जो इसमें मतलब नहीं होना चाहिए, स्टोरेज वेल ड्रेन सॉइल इसे पसंद आते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉइल के बारे में बता देती हूँ फ्रेंड। तो सॉइल मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट और राइस हस्क और परलाइट 10-10 के रेशियो में, साफ फंगीसाइड और थोड़ा सा नीम खली का पाउडर, ऐसे मैंने इसमें सॉइल मीडिया दिया हुआ है। पॉट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पॉट देखिए, ये छोटा सा मैं इसमें वर्टिकल गार्डन के रूप में की तरह इसे बनाने वाली थी, तो मैं इसे देखिए बिल्कुल 2-3 इंच, एक 5 इंच का मैंने इसे पॉट दिया हुआ है। सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर पर एक वैरायटी को आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लक्ष्मी कमल बोला जाता है, घर में बहुत शुभ होता है इसे रखना, और इचिवेरिया की ये वैरायटी में आते हैं, फैमिली से आते हैं। और ये देखिए प्लांट कितने सुंदर इसके जो हैं, और थोड़े से रेडनेस लिए हुए हैं, और किनारे किनारे पर ये पप्स निकले हुए हैं। और अगर आप इसे मतलब एक पप से ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या करिए, एक ऐसा आप नीचे से इसको निकाल दीजिए और कोकोपीट और सेंड के मिक्सचर में लगा दीजिए फ्रेंड, बहुत ही इजली ग्रो हो जाते हैं विंटर में। तो देखिए इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, तो आज मैं जो पांच आपको वैरायटी बता रही हूँ, वो इचिवेरिया की फैमिली से आते हैं फ्रेंड्स, बहुत हार्डी होते हैं, तो इसे भी आप 2 से 3 घंटे की सनलाइट दीजिए मॉर्निंग की। सेकंड नंबर पे आते हैं देखिए, ये रुबेरा बोलते हैं, रेड इचिवेरिया रुबेरा, नाम बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसका, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, इसका लुक भी आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए बहुत सुंदर इसका लुक होता है, बिल्कुल कमल की तरह होता है। ये भी बहुत लकी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसकी ब्यूटी देखिए, ग्रीन लिप्स हैं, ऊपर से ऐसे ग्रीन टाइप के देखिए इसमें बने हुए हैं, और रेड रेड सा देखिए यहाँ पे इस तरीके से रेड रेड सा बना हुआ है। तो ये भी लिप्स से बहुत जल्दी प्रोपेगेट किया जा सकता है फ्रेंड्स, अगर आपके नीचे जो है लिप्स, एक लिप्स को भी निकाल के आप इसे 2-3 दिन ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करने के बाद इसे कोकोपीट सेंड के मिक्सचर में आप लगा दीजिए, देखिएगा इसमें बहुत जल्दी रूट आना हो जाता है, बेबी प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो थर्ड नंबर पर ये भी इचिवेरिया की एक वैरायटी है, इचिवेरिया एवोगीस करके ऐसे कुछ नाम होता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा इसके जो पेटल्स होते हैं ना, वो थोड़ा चेंजेस है इसमें, इसके जो पेटल्स हैं ऐसे ऊपर की ओर शार्प हैं, और ये देखिए थोड़े से पतले हैं, थिन है इसके, और ये भी देखिए बहुत सुंदर लुक है इसका भी, ये देखिए। और इसमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, बेबी प्लांट मीन्स यानी ऊपर से देखिए इसमें निकल रहा है, ये देखिए अभी इसमें अच्छे से खुला नहीं है, यहाँ से ये पूरा खुले हो जाएंगे। तो इसे भी आप लीव्स से बहुत जल्दी प्रोपेगेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर ये देखिए, ये इचिवेरिया की रुबेरा की सेकंड वैरायटी है, सभी में कुछ कुछ चेंजेस है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो इसमें क्या है देखिए, नीचे इसमें पत्तियों का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, और ऊपर से ऐसे देखिए टिप लिए हुए है, तो
इसका भी लुक बहुत ब्यूटीफुल है। और लास्ट में जो इचीविरिया का एलिगेंट वेराइटी दिखाती हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये देखिए, ये इचीविरिया का एलिगेंट वेराइटी है। इसकी जो लिप्स होते हैं ना, बहुत थिक होते हैं, बिल्कुल मोटे से गद्देदार से इसके जो लिप्स हैं, ये देखिए। और पानी का स्टोरेज बहुत सारा करते हैं, इसलिए इसे कम वाटर देना चाहिए फ्रेंड्स। और ये देखिए, बहुत प्यारे से ये ग्रीनिश ऊपर टिप पे रेडिश लिया हुआ है। और इधर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे से प्रोपेगेट हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं इसके नए नए सूट्स। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 5 तरह के तरीके की इचीविरिया की, सर्कुलेंट इचीविरिया की एक वेराइटी बताई हुई है। तो आप भी अगर अपने गार्डन में इसे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बहुत हार्डी है, ईजिली ग्रो हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इतना ही बताना था आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो तब तक के लिए बाय।